आजी महापंचायत बुलाई गई फरीदाबाद के रिवाजपुर गांव में, क्या इसके पीछे की वजह, क्या नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, फरीदाबाद में रिवाजपुर गांव के अंदर एक कूड़ा घर बनाया जाना प्रस्तावित है और इसको लेकर ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके इलाके में कूड़ा घर बनाया जाए, क्योंकि इससे न केवल जो पेयजल आपूर्ति है वो प्रभावित होगी, जमीन का जो पानी है वो प्रभावित होगा, बल्कि इलाके में प्रदूषण भी फैलेगा। और इसी बात को लेकर जो इलाके के लोग हैं वो आज एकत्रित हुए महापंचायत की, और इस बात का प्रस्ताव महापंचायत में पास किया गया कि वो किसी भी कीमत पर रिवाजपुर गांव में ये कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। और इसी को लेकर आज तमाम जो सरगर्मी है वो देखने को मिली। इससे पहले भी एक गांव पाली पड़ता है फरीदाबाद में, यहां पर ये कूड़ा घर बनाना प्रस्तावित था, वहां के लोगों ने भी इसी तरह महापंचायत की थी और विरोध किया था कि उनके इलाके में कूड़ा घर ना बनाया जाए, और इसके बाद उस इलाके का कूड़ा घर बनाना कैंसिल हुआ था। और अब इसी तरह से शहर में अब रिवाजपुर जो गांव पड़ता है यहाँ पर ये आवाज उठ रही है। दरअसल पूरा मामला ये है कि शहर में जो कूड़ा एकत्रित होता है उस कूड़े को डंप करने के लिए कोई एक जगह ढूंढ रहा है जिला प्रशासन, जिससे कि शहर के कूड़े को कहीं पर डंप किया जा सके। और उसके लिए जगह तलाश करने का दौर था। पहले एक जगह तलाश की गई पाली गांव, वहां विरोध देखने को मिला, इसके बाद दूसरी जगह तलाश की गई रिवाजपुर गांव, अब रिवाजपुर गांव में भी इसी तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन ऐसी स्थिति में शहर का जो कूड़ा है उसको डंप करने के लिए कहां पर जगह ढूंढ पाता है, किस तरीके से ग्रामीणों को संतुष्ट कर पाता है और किस तरीके से उस जगह का अरेंजमेंट कर पाता है जिससे कि शहर का कूड़ा एक पर्टिकुलर इलाके पर डंप किया जा सके।